ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज किस नई वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला, तो गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी गाइस इस वीडियो में जितना बैकग्राउंड पिन जिसका मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने वाले डाउनलोड कर सकते हो। बाकी चलिए गाइस आज किस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो गाइस सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उसके बाद गाइस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है, ठीक है। यहां से मैं पहले अपने मॉडल को ले लेता हूं। एंड गाइस मॉडल को लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना, आप सभी को गाइस कुछ स्टाइल से पहले मैं अपने मॉडल को जो इस साइड को रोटेट कर लेता हूं। एंड गाइस उसके बाद जो आपका जो मॉडल होगा ना गाइस उसकी थोड़ी सी आपको कलर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि गाइस पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है गाइस थोड़ा डार्क है एंड उसमें लाइटिंग भी, तो यार इसलिए आपको थोड़ा सा मॉडल आपका जो मॉडल है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो लाइटिंग वगैरह आपके मॉडल की उसकी लाइट वगैरह आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे, आप सभी गाइस यहाँ पे नीचे मतलब अच्छे से पहले सेट कर लेना। एंड उसके बाद आप सभी फिर एडजस्ट कैसे करना कलर वो बता देता हूँ। आप सभी को यहाँ पे एक एडजस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको साइड में स्क्रॉल करोगे तो फिर आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से इंटरफेस दिखेगा। आपको गाइस कुछ यहाँ पे इसका ब्राइटनेस थोड़ा कम कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो सैचुरेशन होगा गाइस उसको आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से बढ़ा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद मतलब गाइस आपकी जो फोटो होगी ना गाइस उसका एडजस्टमेंट, और गाइस मेरी जो फोटो है इसमें अलग अलग एडजस्टमेंट होगी, तो गाइस वो अपने हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। तो बाकी इसके बाद आपसे फिर करना है, डन करना है। एंड गाइस आपको मॉडल को कुछ इस टाइप से थोड़ा सा हाइट जो इसका थोड़ा छोटा कर लेना, बाकी जो ऊपर की जो लाइट है गाइस ऊपर लाइन वाली आपकी वो जो दिख रही होगी उसको गाइस मतलब उससे नीचे की तरफ रखना है आपको अपने मॉडल को, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है, आपसे को गाइस जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपसे को ये वाला पीएनजी लेना है, ठीक है, क्योंकि गाइस ये हम नीचे की तरफ लगाएंगे। तो इसको आपको क्या करना है, पहले तो इसको आपको यहाँ पे पहले रोटेट वाला ऑप्शन में जाकर यहाँ से रोटेट कर देना सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेके। एंड गाइस कुछ इस टाइप से फुल स्क्रीन करना है, एंड फुल स्क्रीन करने के बाद आपको नीचे की तरफ कुछ इस टाइप से स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पे कुछ इस टाइप से इतना रख देना है, ठीक है। तो गाइस इतना परफेक्ट है। अब इतना कर देने के बाद गाइस सबसे को फिर करना आपको यहाँ पे सिंपली डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको डन कर देना है, क्योंकि गाइस यहाँ पे हमारा पीएनजी वगैरह लग चुका है। तो अभी यहाँ पे हम इसको डन करते हैं। एंड गाइस देखिए काफी अमेजिंग लग रही है हमारी इस पीएनजी की वजह से हमारी फोटो। तो अभी इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर करना है, आप सबको थोड़ा सा ना फोटो में थोड़ा सा ग्लो डालना है। तो उसके लिए करेंगे हम ऐसे जाएंगे टूल्स में, टूल्स में जाने के बाद जाना आपको एडजस्ट में, एडजस्ट में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ब्राइटनेस मिलेगा, आपको ब्राइटनेस को जो ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। एंड गाइस उसके बाद आपको रेजर टूल में जाना है, इसको यहाँ पे आपको इन्वर्ट करना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज अपने अकॉर्डिंग रखना है। एंड गाइस ब्रश साइज को फिर आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस उसके बाद आपको शोल्डर पे गाइस, ठीक है, जैसे कि ये शोल्डर हो गया। एंड गाइस मतलब कि जो लाइनिंग वाला एरिया होगा ना गाइस, जैसे कि यहाँ पे हो गया हमारा ये चेस्ट के पास ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इस जगह पे। एंड उसके बाद गाइस ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ऐसी जगह पे आपको गाइस पेंट कर देना है, ठीक है, आपके जो बॉडी पे जहाँ जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप पेंट करना। एंड बाकी इसके बाद आपको फिर क्या करना है गाइस मैं बताता हूँ आपसे, यहाँ पे डन करना भी गाइस आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ओपेसिटी जो कम रख रखी है। तो गाइस आपको ओपेसिटी यहाँ पे थोड़ी बढ़ा के रख लेनी है, अराउंड 12-13 तक बढ़ा देना, ठीक है। एंड उसको यहाँ पे आपको कर देना है डन। फिर इतना कर देने के बाद गाइस आपका जो पिक्सार्ट का काम है यहाँ पे आपको खत्म हो जाता है। तो उसको क्या करता है, अभी हम यहाँ पे सेव करते हैं इसकी कलर करेक्शन करनी है, जो कि हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम इसको सेव करते हैं, इसको ओपन करते हैं लाइट रूम ऐप में। तो यहाँ पे गाइस मैं लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ पहले। एंड गाइस यहाँ पे मैंने फोटो को पहले से एड कर रखा है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे क्या करना है, आप सभी को यहाँ से पहले ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड एडजस्टमेंट आपको ठीक लगती है तो गाइस आप रहने देना, बाकी गाइस मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रही तो उसका मंडो करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, लाइट वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस हम इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे ताकि जो हमारा पीछे का बैकग्राउंड है वो और भी ज़्यादा डार्क हो जाए। एंड जो हाईलाइट है गाइस इसको हम थोड़ा सा माइनस की तरफ करेंगे ताकि जो हमारी फोटो एंड जो बैकग्राउंड है दोनों का ल्यूमिनस बराबर हो जाए, ठीक है। एंड जो व्हाइट है गाइस आपको इसको इंक्रीज कर देना, क्योंकि जो व्हाइट कलर की लाइट है वो थोड़ा ब्राइट करेगी। तो बाकी का शेडो है जिसको इंक्रीज कर देना, ब्लैक यहाँ पे गाइस आपको कम कर देना है, ठीक है, ब्लैक कम कर देना है। एंड उसके बाद आपको फिर करना, आपको जाना है कलर्स वाले ऑप्शन में। कलर्स वाले ऑप्शन में जाने के बाद गाइस आप चूंकि जिसका वाइब्रेशन है फोटो का आपको उसको थोड़ा सा बढ़ाना है कुछ इस टाइप से, ठीक है, तो कुछ इतना बढ़ा देना है। एंड जो जिसका टेम्परेचर होगा ना फोटो का उसको हल्का सा कम कर देना है। फिर गाइस जितना कर देने के बाद आपको यहाँ पे जाना है ऐसे कलर मिक्स में, सो कलर मिक्स में चलते हैं। एंड गाइस जितना कर देने के बाद आपको जाना ऑरेंज कलर में, ऑरेंज कलर का जो सैचुरेशन आपको माइनस कर देना, मतलब अपने फेस के अकॉर्डिंग आपको सैचुरेशन माइनस करना है, ठीक है। तो ल्यूमिनस है जो आप जितना अपने फेस के अकॉर्डिंग आप चाहो उतना बढ़ा सकते हो, ठीक है, आपके फेस के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ। फिर आपको गाइस पर्पल कलर में जाकर, अगर आपको पर्पल कलर आपकी फोटो में आ रहा हो तो गाइस को सैचुरेशन माइनस कर देना, क्योंकि थोड़ा सा मेरा इस मॉडल के ऊपर आ रहा है तो मैं थोड़ा सा सैचुरेशन माइनस करूंगा। एंड जो ब्लू कलर है गाइस, अगर आपको ब्लू टोन नहीं चाहिए हो तो आप माइनस कर सकते हो, अदरवाइज आपको चाहिए हो तो आप प्लस भी कर सकते हो, ठीक है। इतना कर देने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर डन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर डन कर देना, क्योंकि हमारा यहाँ पर लाइट कलर का भी काम हो चुका है। अब जाना आपको उसके नीचे वाले टूल में, ठीक है, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपसे को फिर क्या करना है, यहाँ नीचे वाले टूल में चलते हैं। एंड गाइस फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, क्लियरिटी हल्की सी बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद विग्नेट डालेंगे थोड़ा सा, मतलब कि अपने हिसाब से आपको विग्नेट डाल देना आप जितना चाहो, क्योंकि यार कभी कभार किसी को पसंद होता है किसी को नहीं होता है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी ग्रेन अमाउंट आपको बढ़ा देना है ताकि थोड़ा सा नॉइस आ जाए। एंड उसके बाद नीचे वाला टूल में जाकर आपको फोटो की शार्पनेस को इंक्रीज़ कर देना है। एंड नीचे मिलेगा आपको नॉइस रिडक्शन, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड नीचे आपको मिलेगा कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है।
ठीक है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं यहाँ पे फोटोज रिजल्ट आया, वो आप सभी के सामने है, ठीक है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड अगर ऐसी फोटो को एडिट करते हो तो गाइस मेरे को इंस्टाग्राम पर टैग जरूर करना, इंस्टाग्राम का जो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।